हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सोल टू फ्लाइव। और आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही न्यूट्रिशियस चॉकलेट नट्स बार। ये बहुत ही हाई प्रोटीन बार है। ये जितना खाने में टेस्टी है बनाने में भी उतना ही इजी है। और जो शाम की 5 बजे वाली भूख होती है ना, उस समय गिल्ट फ्री होके आप ये एक बार खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलेगा, पेट भी भरेगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे हाई प्रोटीन चॉकलेट बार बनाने के लिए देखिए, मैंने लिया है 1 कप डेट्स। मैंने डेट्स को अच्छे से सॉफ्ट डेट्स यूज़ किया है और इसे डीसीड कर दिया है। और अब इसका मैं एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बिल्कुल मिक्सी में पीस लूँगी मैं। अब देखिए, मैंने एक कढ़ाई में लिया है 1/3 कप के लगभग पीनट्स। तो पीनट्स को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सारी चीज़ों को जो भी हम रोस्ट करेंगे सब बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में करेंगे और आराम से करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देखिए हमारे पीनट्स बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और इन्हें अब हम कढ़ाई से निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम उसी कढ़ाई में देखिए हम बाकी के नट्स भी रोस्ट करेंगे। अब ये जो रेसिपी है इसमें मैं अलग अलग नट्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अपना फेवरेट नट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें यूज़ किया 1/3 कप आलमंड्स, 1/3 कप मैंने लिया है वॉलनट और 1/3 कप के लगभग लिया है काजू। सबको मैंने ऐसे रफली चॉप किया है। आप चाहें तो इन्हें साबुत रोस्ट करके बाद में मिक्सी में एक पाउडर बना सकते हैं, पर मैं इन्हें इस तरीके से रॉ फॉर्म में ही यूज़ करूँगी क्योंकि वो क्रंची फ्लेवर आता है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग डाला है पम्पकिन सीड्स। आप अपने मनपसंद के सीड्स डाल सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। और इन सब को 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में हम बिल्कुल अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं और जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे नट्स बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो गए हैं और अब इन्हें भी हम कढ़ाई से निकाल के थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब एक तरफ देखिए, मैं यूज़ कर रही हूँ 100 ग्राम्स के लगभग डार्क चॉकलेट। मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ किया, आप नॉर्मल चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। उसमें 1 टीस्पून बटर डाला है और डबल बॉइलिंग मेथड से देखिए कढ़ाई में बिल्कुल गर्म पानी रखा है और ऊपर में बोल रखकर मैंने उसे मेल्ट कर लिया है। पानी बिल्कुल भी चॉकलेट में नहीं जाना चाहिए वरना हमारी चॉकलेट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो देखिए आराम से हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब एक बोल में देखिए मैंने जो डेट्स का मिक्सचर तैयार किया है वो यूज़ किया है। मैंने हल्का सा पानी डाल के पीसा था, आप चाहें तो वैसे भी पीस सकते हैं। 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने डाला है इसमें कोको पाउडर। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ हमारे फ्राइड जितने हमने नट्स फ्राई किए थे, वो देखिए मैं रॉ फॉर्म ही यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसको बारीक नहीं किया है। आप चाहें तो मिक्सी में एक बार चला के इसे बारीक भी कर सकते हैं। जो हमने पीनट्स को भी रोस्ट किया था उसके देखिए मैंने छिलका निकाल लिया है और मैं हाथ से ही देखिए इसे थोड़ा सा इसी तरह से दबा के मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ क्योंकि मुझे वो जो नट्स जब मुंह में आते हैं थोड़े बिग पीसेस तो वो मुझे अच्छा लगता है उसका क्रंची फ्लेवर। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स दे देते हैं। अब मैंने एक देखिए एक जो ट्रे यूज़ किया है या जिसमें मैं सेट करूँगी अपने चॉकलेट बार को, उसमें मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाया, आप पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हो, और अच्छे से ग्रीस कर दिया बटर से। और अब हमने जो अपना मिक्सचर तैयार किया उसे अच्छे से हम इसमें सेट कर लेते हैं। आपको जितनी थिकनेस चाहिए आप उस हिसाब से उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कम थिकनेस चाहिए तो आप कम मिक्सचर डालिए। तो ये देखिए ये सेट हो गया है और अब फाइनली जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी है वो अब इसके ऊपर हम आराम से डाल के अच्छे से इवनली इसको स्प्रेड कर देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और अब इसे फ्रीज़र में आप आधे घंटे के लिए हम रखेंगे अच्छे से सेट होने के लिए। ये आधे घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला है, बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुका है हमारा बार। और अब देखिए साइड से जो एक्स्ट्रा चॉकलेट जो ऊपर से निकली हुई थी मैंने उसे निकाल दिया है और अब जितनी मोटी पीसेस मुझे चाहिए मैंने अपने हिसाब से काट लिया। आप छोटे या लंबे जिस हिसाब से आपको चाहिए आप उस हिसाब से काट सकते हैं। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है हमारा बिल्कुल हाई प्रोटीन चॉकलेट नट्स बार। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सब इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।